हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम एल्गी कर रहे थे कल को, और एल्गी में हमने क्लोरोफाइसी वाली क्लास सारी कंप्लीट करी थी। आज हम थियोफाइसी से शुरू करने जा रहे हैं। थियोफाइसी इज अ नेम फॉर द ब्राउन एल्गे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। They are mostly marine forms. Mainly वो seas में, oceans में रहते हैं, ठीक है? Marine forms होते हैं। They show great variations in size and form. They range from simple branched filamentous to profusely branched, example kelp. देखो, जो basically Thiophysi है, that is marine. ये सीज में फाउंड होती है एंड बहुत ही ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे से भी हो सकते हैं। बेसिकली ये रेंज, इनकी रेंज जो होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो सिंपल फिलामेंटस हो सकते हैं, सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस हो सकते हैं, अप टू प्रोफ्यूसली ब्रांच। प्रोफ्यूसली ब्रांच मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रांचिंग करने वाले बड़े बड़े जो एल्गेज सी वीड्स होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, केल्प्स बोलते हैं। जो केल्प्स होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट 100 मीटर और मोर इन हाइट। दे हैव क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। इनमें क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स होते हैं। जो एल्गे होते हैं ब्राउन एल्गे, इसमें क्लोरोफिल ए तो होता ही होता है, सी भी होता है, उसके साथ ज़ैंथोफिल्स होते हैं। ये ज़ैंथोफिल्स होते हैं जिसकी वजह से ज़ैंथोफिल्स में फ्यूकोज़ैंथिन, देखो ज़ैंथोफिल्स इज द पिगमेंट दैट गिव्स येलो कलर बेसिकली टू द एल्गे। ठीक है, ज़ैंथोफिल्स में अगर अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूकोज़ैंथिन। अगर फ्यूकोज़ैंथिन का अमाउंट कम है और बाकी ज़ैंथोफिल्स का अमाउंट ज्यादा है तो द कलर ऑफ द एल्गे इज येलोइश। बट अगर फ्यूकोज़ैंथिन का अमाउंट ज्यादा है बाकी ज़ैंथोफिल्स के अकॉर्डिंग, तो दैट द कलर इज, कलर ऑफ द एल्गी इज ब्राउन। पहले येलो ग्रीन एल्गी एक और एल्गी क्लास मानी जाती थी, लेकिन अब वो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए वी कैन से दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, मतलब येलोइश ग्रीन टू ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स, जो ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स है उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम, ये डिपेंड करता है कि कौन से कलर के एल्गेस हो सकते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज लेमिनारिन और मैनिटोल। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यूज है जो आपके नीड के लिए, बेसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट कि कौन से टाइप की एल्गी कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स फूड स्टोर कर रही है। ठीक है, in the case of brown algae that is laminarin and mannitol, and let us put a star on this। ye aapke star mark wala question hai, aapko iska naam yaad rakhna bahut zyada zaruri hai। laminarin aur mannitol, okay। The vegetative cells have a cellulosic wall covered by gelatinous coating of algin। देखो, plants हैं, उनके बाहर cell wall तो होती है, cellulose की cell wall होती है। हमने plant kingdom शुरू कर दिया। plant kingdom में हम first division पढ़ने वाले, पढ़ रहे हैं algae। ठीक है, algae की second class कर रहे हैं हम, Thiophysi। तो plant है, plant में cellulose होता है, तो इसमें भी cellulose तो है। सेलुलोज के बाहर एल्जिन नाम का प्रोडक्ट होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि देखो ये रह रहा है सी में, और सी में क्या होते हैं, वेव्स होते हैं। सी में वेव्स क्या कॉज करते हैं, फ्रिक्शन कॉज करते हैं, इसलिए उस फ्रिक्शन से बचने के लिए इसके पास क्या है, जिलेटिनस कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज एल्जिन। इसका जो प्रोटोप्लास्ट प्लास्ट है उसमें प्लास्टिड्स है, सेंट्रल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स भी है। बहुत अच्छे से, प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। या अब देखो,
दिस इज द होल्ड फास्ट आपको दिख रहा है, दिस इस डायग्राम में लैमिनेरिया फ्यूकस एंड डायक्योटा का आपको दिखाया गया है. जो चीज सबस्ट्रेटम से जहां से ग्रो करी है, जो चीज मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, दैट इज बेसिकली द होल्ड फास्ट. होल्ड फास्ट से ऊपर आ गई ये स्टाइप, स्टाइप ठीक है. इट कैन बी लॉन्ग एज इन केस ऑफ लैमिनेरिया और इट कैन बी शॉर्ट एज इन केस ऑफ फ्यूकस. ये स्टाइप है और स्टाइप के बाद क्या आ रही है, हमारी पूरी एल्गल बॉडी आ रही है, उसको क्या बोलते हैं फ्रॉन्ड. तो बेसिकली ब्राउन एल्गी क्योंकि बहुत सारी लार्ज होती है ना, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसके जो प्लांट पार्ट्स हैं बेसिकली दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री ऑर्गन्स, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड्स. इसके एग्जाम्पल्स है एक्टोकार्पस, डायक्योटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस. एक्टोकार्पस को भी आप देख सकते हो, सार्गासम को भी आप देख सकते हो. अब हमने क्या किया था, हमने किया था कि 70 ऑलमोस्ट 70 स्पीशीज ऑफ दिस ब्राउन एल्गे आर एडिबल एंड आर ईटन एज फूड प्रोडक्ट. ठीक है, तो सी फूड का बहुत ज्यादा हिस्सा होता है हमारा एल्गे. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ all the three types, vegetative, asexual and sexual. जो vegetative reproduction हो रही है that is with the help of fragmentation. कि कोई भी body का एक fragment है वो टूट के अलग हो गया तो उससे एक पूरी पूरी body grow हो सकती है. asexual reproduction है जो वो pear shaped biflagellate zoospores की help से होती है, कि जो इसके zoospores होते हैं they are pear shaped एंड उसके दो फ्लैजिला होते हैं. दीज आर बाइफ्लैजुलेट ज़ूस्पोर्स, हैव टू अनइक्वल फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड. लेटरल होते हैं इनके फ्लैजिलास होते हैं जो, एंड दे आर अनइक्वल, सेम एज इन द केस ऑफ ग्रीन एल्गी. सेक्सुअल है जो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस. यूनियन ऑफ द गैमेट्स अकर इन वॉटर विद इन द ओगोनियम. ओगोनियम स्पीशीज जो होते हैं वो ओगैमस स्पीशीज जो होते हैं वो ओगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं. गैमेट्स आर पियर शेप्ड एंड ये भी पियर शेप्ड होते हैं लाइक ज़ूस्पोरियम, ज़ूस्पोर्स. बेसिकली ज़ूस्पोर्स की तरह इनमें भी दो लेटरल फ्लैजिला होते हैं. That are unequal in size. Now, रोडोफाइसी. रोडोफाइसी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका नाम है रेड एल्गी. रेड एल्गी तो रोडोफाइसी. रोडोप्सिन इज अ पिगमेंट दैट इज रेड इन कलर. तो रोडो वर्ड जो है वो बेसिकली रेड कलर के लिए हम यूज करते हैं. नाउ दे हैव रेड थैलाई ड्यू टू रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन. मेजॉरिटी आर मेरीन स्पीशीज स्पेशली इन द वार्मर एरियाज. बहुत सारे रेड एल्गीज हैं, दे आर मैरीन बट दे मे बी फ्रेश वाटर ऑल्सो. जरूरी नहीं है कि ओनली मैरीन है. एज थियोफाइसी वॉज द क्लास जिसके ऑल द मेंबर्स वर मैरीन, बट इसके मैरीन भी हो सकते हैं एंड फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं. दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर रिलेटिवली लिटल लाइट पेनिट्रेट्स. ये देखो रेड एल्गी की एक बहुत ही खास ये बात है कि रेड एल्गी सरफेस के ऊपर भी हो सकती है एंड डीप इन द ओशंस भी हो सकती है. ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. देखो रेड एल्गे की बॉडी क्या होती है, मल्टी सेलर होती है. जो ग्रीन एल्गे है ना, बेसिकली ग्रीन एल्गे आर द यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स, बाकी सारे क्या है, मल्टी सेलर है. सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
and some I have simple body organization. Food storage, laminaria and mannitol tha brown algae mein, aur isme kya hai? Floridian starch. Floridian starch is very similar to amylopectin and glycogen jo higher animals mein bane. To ye isi cheez ka proof hai ki haan, evolution hui hai. Evolution mein ultimately plants se hi animals ki formation hui hai. Okay, plants are the ancestors of animals. Floridian starch kahan mein milti hai? Red algae mein milti hai. And Floridian starch is very similar to glycogen and amylopectin that are food storage products in the animals. Yeah, diagram dekh sakte ho. Polysiphonia, then glacellaria and then gelidium. Theek hai? Inme se hume kya milta hai? Inme se hume agar-agar milta hai. Agar-agar kya karta hai? Agar-agar culture of bacteria banane mein help karta hai humein. Now reproduction. Reproduction of red algae is by fragmentation, by non-motile spores, and only oogamy. ठीक है? एक और चीज है कि जो इसके spores हैं, they are only non-motile. No motile spores are formed. यहाँ पे red algae के केस में only and only non-motile spores ही होते हैं. ठीक है? That is a very big condition. ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच काइंड ऑफ एल्गी देयर इज नो मोटाइल स्टेज, तो आप लिख सकते हो इन रेड एल्गी. नाउ दिस इज योर टेबल जो आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है एंड इसमें आपके पिगमेंट्स, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल के कंपाउंड्स, फ्लैजेला के नंबर और हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो एक बार इसको भी रीडिंग हम दे सकते हैं. इसको हम रीडिंग देंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्टार. कॉमन नेम ऑफ क्लोरोफाइसी इज ग्रीन एल्गे. कॉमन नेम ऑफ फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गे. कॉमन नेम ऑफ फ्लोरोफाइसी इज रेड एल्गे. रेड एल्गे इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन. Fucoxanthin is the pigment जिसकी वजह से brown algae brown होती है and green algae green होती है due to presence of A and B chlorophyll. अब देखो एक चीज है, एक trick है आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ. वो कैसी trick है कि आप chlorophyll लिख लो, chlorophyll A B C, मतलब कि ये अगर आप इस sequence में लिखोगे कि first of all you are writing about the green algae, next brown and then red, then आप chlorophyll A, क्लोरोफिल ए तीनों में प्रेजेंट है, बी इज प्रेजेंट इन द ग्रीन वन, सी इज प्रेजेंट इन द ब्राउन एंड डी इज प्रेजेंट इन द रेड. मतलब ए तो सब में ही आएगी लेकिन बी सी डी इस सीक्वेंस से आप याद रख सकते हो कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी याद कर लो. उसके बाद क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल द एल्गीज बट बी इज प्रेजेंट इन ग्रीन, सी इज प्रेजेंट इन द ब्राउन एंड डी इज प्रेजेंट इन द रेड एल्गी. मतलब बी सी डी का सीक्वेंस आप याद रख सकते हो एज ग्रीन, ब्राउन, रेड. ओके, हाँ. फूड स्टोर इज स्टार्च. स्टार्च की वजह से ये जो हायर प्लांट्स का एंसेस्टर माना जाता है ग्रीन एल्गी को, क्योंकि हायर प्लांट्स में भी स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है. एंड फियोफाइसी इज मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया एंड फ्लोरिडियन स्टार्च इन द रेड एल्गे. सेल वॉल. सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. Cell wall of brown algae is made up of cellulose and algin, and cell wall of red algae is made up of cellulose. Flagellar number 2 to 8 तक हो सकते हैं, equal हो सकते हैं and apical में, apex में present होते हैं. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा important है. देखो equal and apical, equal and apical, इसमें दो ही होते हैं, unequal होते हैं and lateral होते हैं. और red algae में क्या होते हैं? Absent होते हैं. ठीक है, अभी हमने पढ़ के हटा है कि रेड एल्गी में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं प्रेजेंट होती. हैबिटेट फ्रेश वाटर में भी, सॉल्ट वाटर में भी, ब्रैकिश वाटर में भी. ठीक है, फ्रेश वाटर में बहुत रेयर, सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर में ही ब्राउन एल्गी मिलती है. एंड ऑन द अदर हैंड रेड एल्गी भी फ्रेश वाटर में कम, सॉल्ट वाटर में ज्यादा, सॉल्ट एंड ब्रैकिश दोनों में ज्यादा.
ओके स्टूडेंट्स, तो एल्गी हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये वाला जो टेबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न अबाउट. नाउ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ब्रायोफाइट्स. ओके स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार, हम जा रहे हैं इवोल्यूशन की तरफ, मतलब प्रिमिटिव टू हायर. ठीक है, पहले हमने पढ़ ली एल्गी इज अ प्रिमिटिव, नाउ हम ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, दे आर कंपैरेटिवली हायर. जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे इट विल बी द हायर 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 हायर. ठीक है, सी एल्गी को आप फिशेस ऑफ द प्लांट्स बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि वो सारी सारी की सारी ओनली एक्वाटिक एक्वाटिक ही होती है. एक्वाटिक 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 आइदर फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मेरीन वाटर. ठीक है, तीनों फॉर्म्स जो है वो एक्वाटिक, मतलब बाहर पानी के, या अगर कहीं बाहर प्रेजेंट है तो इन ओनली इन द मॉइस्चर. मॉइस्चर इज द कंडीशन फॉर एल्गे टू ग्रो. एल्गे इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट फिट्स 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सराउंडिंग्स इन द एनवायरमेंट ऑन द अर्थ. ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की. ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट दे नीड वॉटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉग्स, ठीक है, टोड्स. इनकी जो बड़ी वाली फॉर्म होती है, बड़ी एडल्ट फॉर्म, उसको क्या वो पानी के बाहर रह सकते, बट एडल्ट को भी वापस आना पड़ेगा पानी में रिप्रोड्यूस करने के लिए. एग्स आर ओनली लेड एंड ओनली लेड इन द वॉटर. तो पानी तुम्हें चाहिए ही चाहिए इन एवरी वे. ठीक है, एंड उनकी जो लार्वल स्टेज है वो भी पानी में रहती है. सो एम्फीबियंस, इसको एम्फीबियंस बोला जाता है कि वन स्टेज ऑफ लाइफ कैन लिव आउटसाइड द वॉटर, अदर स्टेज ऑफ लाइफ have to live only and only in the water and water is required for reproduction. Basically यही हमारी need है कि water, यही हमारा जो है major question है, major thing है कि water है जो वो sexual reproduction के लिए चाहिए ही चाहिए bryophytes को. ठीक है, तो bryophytes damp, humid and shaded regions में ही present होते हैं. धूप में देखा है कभी amphibians को? किसी भी amphibian को कभी धूप में देखा है? नहीं देखा होगा. ठीक है, क्योंकि वो गर्मी में नहीं जाता, वो शेडेड प्लेस में ही रहता है. फ्रॉग्स हैं जो मेजरली रेनी टाइम में, रेनी मौसम में बाहर आते हैं, दिन में अगर बाहर आते हैं तो, वरना रात में बाहर निकलते हैं वो, बिकॉज दे लाइक शेडेड एनवायरमेंट. ठीक है, वैसे ही हमारे ब्रायोफाइट्स हैं. ब्रायोफाइट्स को भी हम एम्फीबियंस बोलते हैं. इनको पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, एंड दे अकर इन डैम, humid and shaded localities. See, अब देखो algae की जो थी body, that was proper complete thallus. ठीक है, बिल्कुल thallus था, उसमें कोई भी body differentiation नहीं थी कि ये stem है ये root है. But इनमें जो body differentiated है more than that of algae, more than that of brown algae and more than that of red algae. Red algae और brown algae से भी ज्यादा जो bryophytes में है differentiation पाई जाती है. बट है तो ये भी थैलस, बट थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स. ये जो होता है ना, दिस थिंग बेसिकली, ये जो पार्ट है बेसल पार्ट, दिस इज द राइजोइड. ठीक है, ये राइजोइड है. राइजोइड किस में हेल्प करता है? अटैचमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, द प्लांट इज प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट. ये जो प्लांट है दैट इज प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट. दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स. ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स जिसमें नहीं होंगी वो क्या होगा? थैलस ही होगा. बट इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जरूर है. ट्रू रूट लीफ एब्सेंट है, बट लाइक स्ट्रक्चर्स जरूर प्रेजेंट हैं, हो सकती.
अब देखो उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी एडल्ट बॉडी इज हैप्लॉयड. हैप्लॉयड बॉडी प्रोड्यूस द गैमेट्स एंड उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट वो चीज होती है जो क्या करती है, गैमेट्स प्रोड्यूस करती है. गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली जो बॉडी है इनकी वो मेन बॉडी है एंड दैट इज हैप्लॉयड. ठीक है, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. गैमेटोफाइट इज द गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी, गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी एंड स्पोरोफाइट इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी. ठीक है, गैमेटोफाइट होता है वो हमेशा हैप्लॉयड होता है. दैट मे बी प्लांट और दैट मे बी मेन बॉडी या नॉन मेन बॉडी, बट स्पोरोफाइट जो होता है वो ऑलवेज डिप्लॉयड होता है क्योंकि वो क्या करता है, वो स्पोर फॉर्म करता है. ठीक है, एंड स्पोर अल्टीमेटली मियोसिस करके गैमेट्स बनाते हैं, गैमेटोफाइट को बनाते हैं. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स जो मेन बॉडी है दैट इज गैमेटोफाइट एंड दैट इज हैप्लॉयड. नाउ देखो इनके जो है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, एक तो ये चीज थी कि हमने देखा राइजोइड्स हैं. राइजोइड्स कैन बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर. एंड ऑन द अदर हैंड वी नाउ टॉक अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन्स कैन ऑल्सो बी मल्टी सेलुलर और मे बी यूनिसेलुलर. देखो ये है, दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट एंड इस बॉडी को क्या बोलते हैं हम, आर्केगोनियम. मेल बॉडी को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम. एंथ्रीडियम में क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं. आर्केगोनियम में क्या होती है, एग होती है. ठीक है, ये मार्केंशिया की बॉडी है. मार्केंशिया इज अ लिवर वॉट. लिवर वॉट क्या होती है, क्लास ऑफ द ब्रायोफाइट्स होती है. जो मेन जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना मेन, उनकी मेन बॉडी हैप्लॉयड होती है, गैमेटोफाइट होती है. फीमेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है. फीमेल गैमेटोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं आर्केगोनियम एंड मेल गैमेटोफाइट के सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम. द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर. ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन है दे आर मल्टी सेलुलर. मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स. ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करते हैं, बाई फ्लैजिलेट. जो भी स्पर्म्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो दो फ्लैजिलेट, उनके दो फ्लैजिलास होते हैं. बाई फ्लैजिलेट एंथेरोजॉइड्स बोलते हैं उसको, स्पर्म्स नहीं बोलते हैं, एंथेरोजॉइड्स बोलते हैं. एंड जो फीमेल एग प्रोड्यूस करती है दैट इज ऑलवेज फ्लास्क शेप्ड एंड सिंगल एग प्रोड्यूस करती है. ठीक है, नाउ यू कैन सी द फीमेल थैलस एंड द मेल थैलस. ठीक है, फीमेल थैलस एंड मेल थैलस में कोई फर्क नहीं होता. द फर्क जो होता है वो होता है बेसिकली ये सेक्स ऑर्गन का फर्क होता है, आर्केगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर का फर्क होता है. ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला था कि ये जो होते हैं, ये होते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. तो इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए ही होता है. देखो यहाँ पे लिखा है एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड टू वाटर एंड मीट आर्केगोनियम. आर्केगोनियम भी वाटर में प्रेजेंट है एंड एंथेरोजॉइड भी वाटर में चला जाता है. तो ये क्या कर देते हैं, अल्टीमेटली एक जायगॉट प्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, दे फॉर्म अ जायगॉट. Now, zygotes do not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular body called sporophyte. जब zygote बन जाता है तो एक multicellular body की formation होती है जिसको हम sporophyte बोलते हैं. मैंने बोला था ना कि gametophyte and sporophyte दो life forms होती हैं. Gametophyte क्या बनाते हैं, एग एंड स्पर्म बनाते हैं जो फ्यूज करने के बाद जायगॉट बना लेता है. एंड जायगॉट क्या बनाता है, माइटोसिस करने के बाद एक स्पोरोफाइट नाम की बॉडी बनाता है. स्पोरोफाइट क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं. देखो
Sporophyte is not a free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Sporophyte जो होता है ना वो gametophyte के ऊपर ही grow करता है और उससे ही nutrition लेता है. Some cell of the sporophyte undergo meiosis to produce haploid spore. अब sporophyte के अंदर क्या हो जाती है? Meiosis हो जाती है. Meiosis क्या करते हैं? Spore बनाते हैं. स्पोरोफाइट आपको याद रखना पड़ेगा, ये होते हैं डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ द ब्रायोफाइट्स. ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी होते हैं. स्पोरोफाइट जो होते हैं ब्रायोफाइट में डिप्लॉयड होते हैं. मियोसिस करने के बाद वो क्या बनाते हैं? वो स्पोर्स बनाते हैं. एंड ये स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट. ये स्पोर्स जब जर्मिनेट कर देते हैं वो गैमेटोफाइट बना देते हैं. अल्टीमेटली दिस लाइफ साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग. ये था हमारे ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल. ठीक है, समझ आया? लेट मी टेल यू वंस अगेन. देखो हमारे पास क्या बना? गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट ने क्या बनाए? गैमेट्स बनाए. ये गैमेट्स फ्यूज होके क्या बन गए? जायगोट बन गए. जायगोट ने क्या बना दिया? स्पोरोफाइट बना दिया. स्पोरोफाइट ने मियोसिस की. यहाँ पे हुई हमारी मियोसिस. अब तक क्या आ रही थी? सारी माइटोसिस हो रही थी. ठीक है, ये बना था मेल गैमेट, ये बना था फीमेल गैमेट. यहाँ तक अभी तक कोई भी मियोसिस नहीं हुई थी. ओनली बाय माइटोसिस ये सब फॉर्म हो रहा था. ये स्पोरोफाइट है जो दिस इज द डिप्लॉयड फॉर्म. इसने मियोसिस की पहली बार एंड इसने क्या बना दिए? स्पोर्स बना दिए. ये स्पोर्स जहां पे भी जर्मिनेट करेगा ये दोबारा क्या बना देगा? गैमेटोफाइट. ठीक है, स्पोर्स भी हैप्लॉयड है, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉयड है. क्या डिप्लॉयड है? ओनली स्पोरोफाइट है जो वही डिप्लॉयड. ठीक है, नाउ सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स बर्ड्स एक्सेट्रा. Species of sphagnum is used as fuel because उसकी water holding capacity बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए उसको packing material के लिए भी use किया जाता है, fuel के लिए भी use किया जाता है. और bryophytes हमें क्या provide करते हैं? Nutrition भी provide करते हैं. Bryophytes हमारे लिए ecologically important. Ecology आप पढ़ोगे, ecology में आप कैसे पढ़ोगे कि कैसे कैसे कोई भी life है जो वो successions करके growth करती है. तो फर्स्टली जो है ब्रायोफाइट्स वो बहुत सारी सक्सेशन करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर द हायर प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं. ठीक है, तो इकोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी में हमारी. सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, ये सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, सॉइल है जो सॉइल के ऊपर मॉसेस ग्रो करके एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसकी वजह से पानी की वजह से या हवा की वजह से जो हमारा सॉइल है वो नहीं उड़ पाता. ओके, नाउ देर आर टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, द लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस. ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, बट अब तक आप दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं अबाउट द ब्रायोफाइट्स की हमने क्या पढ़ा. मेजर चीज जो कंफ्यूजन है वो यही है कि गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. देखो ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं तो ब्रायोफाइट्स की बात ही करूंगी. गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉयड होता है, ग्रोज इंडिपेंडेंटली एंड प्रोड्यूस गैमेट्स. गैमेट्स बाय माइटोसिस. एक चीज आपने हमेशा याद करनी है, याद रखनी है, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि गैमेट्स कुछ भी है, गैमेट्स हमेशा क्या रहेंगे? हैप्लॉयड रहेंगे. हमेशा गैमेट्स हैप्लॉयड रहेंगे. स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉयड डिपेंडेंट एंड शॉर्ट फेज ऑफ स्पोरोफाइट्स लाइफ. ठीक है, स्पोरोफाइट जो है वो एक डिप्लॉयड फेज है, डिपेंडेंट फेज है एंड इट फॉर्म्स मियोसिस
it forms the spores after meiosis. ठीक है. Now, gametes formed by the gametophyte are fused to form zygote. They don't immediately undergo meiosis, but form a intermediary life stage, that is the sporophyte. Sporophyte further forms the spores by meiosis. Spores germinate in proper environment to produce the gametophyte, and thus this life cycle continues.